तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपनी सीनियर बाईजिन युवा सेट में आ जाती है, जैसे सेट में आती है अपनी फोक्स देख के पहचान जाती है लिंग शेव सेट की सीनियर बाईजिन ने। सीनियर बाईजिन आप यहां पे क्या करे हो, बाईजिन भी कहती क्या हुआ, क्यों मैं यहां पे आ नहीं सकती क्या। इस नेक लेडी देखती है, अच्छा यही है क्या यार बाईजिन लू बाई की यहां पे सीनियर, ये तो सच्ची में बड़ी सुंदर यहां पर है, तभी तो वो भी इसके प्यार में इतना ज़्यादा यहां पे गिर चुका है। सामने से अपनी बाईजिन कहती है, अच्छा तो ये क्या वो डेमन कल्टिवेटर जिसके बारे में ना हमेशा वो भी बातचीत करते रहता है, चलो अंदर चलो मुझे तुम्हारे साथ बैठ कर कुछ बातचीत करना है। अब यहाँ पे आते लू बाई की ओर जो कि उड़ते उड़ते आ रहा था, भतीजी भी साथ में थी। भतीजी पे चिल्लाते कि भाई तुम्हारी मास्टर निकल चुकी थी, तुमने मुझे पहले कहीं को नहीं बताया। ये भी कहती मैं बताने वाली थी, उन्होंने मुझे रोक दिया कि लू बाई को कुछ भी मत बताना, मैं वॉक पर जा रही हूँ। लेकिन वॉक पर नहीं, वो तो यहाँ पर आ गई। हमारे मेकअप भी कहता चलो चलो जल्दी से चलो। सेट में आते जो लैंडिंग मारता है ना, जिससे भतीजी ढाम से आगे चल के गिरती, वो भी चिल्लाती है मुंह तोड़ दिया चाचा आपने मेरा। ये देखता भाई सेट में हमेशा बवाल मस्ता रहता, हंसी खुशी का माहौल था, आज इतना सन्नाटा का ही कोई। अंदर से एकदम टेंस हो रहा महसूस होता है, ऐसा लगता है दो बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं। तो सामने से ये भी कहती, ओ माय गॉड, कहीं स्नेक लेडी और मेरी मास्टर यानी आपके सीनियर बाईजिन तो फाइट नहीं ना कर रहे। ये भी कहता शुभ शुभ बोल यार फाइट नहीं होना चाहिए। अंदर आते हैं जहाँ पे स्नेक लेडी सामने बैठी थी और अपनी सीनियर सामने खड़ी थी और कहती भाई तेरा जो लेवल है ना उस लेवल में तू मेरे लू बाई को कभी भी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ये भी कहती आई नो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करी हूँ अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, तुम बस मुझे यही बताने के लिए यहाँ पर आई थी। जो सुनते बाईजिन कहती नहीं इसके अलावा और भी एक काम है, वो काम करने के लिए यहाँ पर आई थी। तभी बीच में अपना लू भाई आ जाता और आते कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ प्लीज, ये लड़ाई झगड़ा यहाँ पे मत करो। इस स्नेक लेडी भी कहती है लू भाई चलो यार तुम सही टाइम पे यहाँ पर आए हो। पीछे से भतीजी भी आती, वो भी कहती मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, सॉरी मुझे बताना नहीं चाहिए था कि स्नेक लेडी इनकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है, माफ कर दो उनको मारो मत। तो सामने से ये भी कहती मारो मत, किसको मत मारो भाई, मैं किसको मारी, मैं तो किसी को भी यहाँ पे नहीं मारी। स्नेक लेडी भी कहती हुई तो भाई कौन मार रहा है, किसको मारा, कोई किसी को नहीं मारा, कोई लड़ाई वड़ाई यहाँ पे नहीं चालू है। डिसाइपल लोग भी कहते हैं हाँ भाई क्या हो गया लीडर, पगला पगला गया हो क्या भाई, कौन किसको मार रहा है, कोई किसी को नहीं मारा, हमारे लू भाई का तो पोपड़ हो जाता, कोई किसी को नहीं मारा यार। बात सर मुझे और महसूस हो रहा था लड़ाई झगड़े का, तो भाई कोई किसी को मारा वारा नहीं था क्या, मुझे बताओ चल क्या रहा था। ये लोग कहते कोई किसी को नहीं मारा, वो तो सीनियर भाई जी ने ना इस नेक लेडी का पावर बढ़ाने में उसकी हेल्प यहाँ पे करी थी कल्टिवेशन इंप्रूव करने के लिए। जो सुनते ये भी कहता कल्टिवेशन इंप्रूव करने के लिए हेल्प करी थी उसका, और मुझे महसूस हुआ। ये लोग कहते यस हमने ना उसका भी वीडियो भी बनाया है और हमने अपने चैट में डाल दिया है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। ये भी कहता वीडियो, अरे यार वीडियो को भी ऑप्शन आ गया, लेट मी सी। हाँ तो एक तरीका यूज करी थी भाई जी इस स्नेक लेडी का पावर बढ़ाने के लिए, जो कल्टिवेशन ना काफी गंदा था देखने में, डुओ कल्टिवेशन जैसा यहाँ पे लग रहा था। हाँ जो ऐसा लगता है ना कि भाई तुम सॉफ्ट पोर्न यहाँ पे देख रहे हो, हमारे मेकअप कटर के भी यार माइंड टाइट हो जाते कि अच्छा इन्होंने ऐसा ऐसा किया था क्या। ये डिसाइपल कहते यस स्नेक लेडी ने अपने पिछोड़ा आगे किया था और भाई जी ने पिछोड़े द्वारा पावर यहाँ पे दे दिया था, लीजिए मैंने भी अपना पिछोड़ा आगे किया मुझे भी पावर दीजिए ना। अपने लू भाई को गुस्सा आता है, उसके पिछवाड़े पे मार के उड़ा देता है सबको, धमकी देते जाओ और जाके अपना कल्टिवेशन करो, जब तक तुम लोग फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे नहीं ना चल जाते अपना मुंह मत दिखाना। तो सब लोग ना भाग जाते हैं वहां से। उसको तो अपने लू भाई सीनियर से कहते सीनियर यार मतलब यार मुझे बिना बताए युवा सेट में आ गए, बिना मेरे से पूछे आपने इसका पावर यहाँ पे बढ़ा दिया, अगर आपको सच में पावर बढ़ाना था आपको मुझे हेल्प यहाँ पे करना चाहिए था ना मेरी पावर यहाँ पे बढ़ाने के लिए, लेकिन आपने उसका यहाँ पे कैको किया। सीनियर यहाँ पे कहते कि भाई क्या यहाँ पे करूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है ना इसलिए उसका मैंने यहाँ पे कर दिया और क्या। जो सुनते हमारे लू भाई भी कहते कि अरे यार आपको अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थी और जो अभी तक है ही क्या। वो भी कहती रहने दो यार मुझे भतीजी ने सारी बातें बता दी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं है, मुझे लगा ना ये जो स्नेक लेडी है कोई कमीनी नीच कपटी औरत होगी जिसने लू भाई को प्यार में गिराया उसका फायदा उठाएगी, जबरदस्ती कर करके अपना पावर यहाँ पे बढ़ाएगी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ये तो सच्ची में काफी अच्छी लड़की है तो मैंने इसका पावर ना इंप्रूव करवाने में हेल्प यहाँ पे कर दिया। सामने से वो भी स्नेक लेडी देखते हैं उसको भी अच्छा लगता है कि अरे बापरे मैंने बाईजिन को ना अपनी दुश्मन यहाँ पे मान लिया था, लेकिन देखो बाईजिन कितनी अच्छी है उसने आके मेरा पावर यहाँ पे बढ़ा दिया। जो भतीजी थी ना भतीजी यहाँ पे कन्फ्यूज की एक सेकंड, इन शॉर्ट जो मेरी मास्टर बाईजिन है वो लू भाई को स्नेक लेडी के हवाले कर रहे हैं, मगर क्यों यार आई नो स्नेक लेडी यहाँ पे अच्छी है लेकिन मेरी मास्टर बाईजिन ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने तो अंकल के साथ है ना लेक के सामने कुछ ना कुछ गंदी गंदी हरकतें भी कर ली थी। यार ये बड़े लोग की दुनिया बड़ी अजीब होती है, क्या करते हैं और क्या नहीं करते मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी सीनियर सामने से कहती कि सुनो यार अचानक से हमारी दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो खुद को ना इमॉर्टल का रीइंकार्नेशन यहाँ पे कहते हैं और तुम्हारे सेट में तो मैंने ऐसे ढेर सारे बंदे यहाँ पे देखे, ये चल क्या रहा है, मुझे लगता है लोग सेट को कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, संभल के यहाँ पे रहो। हमारे लू भाई मनी मन सोचते बिचारी इनको क्या ही मालूम कि ये जो लोग है ना बल्कि प्लेयर्स यहाँ पर है जो गेम खेलने यहाँ पर आए, ये लोग कोई हमारे दुश्मन या कुछ बुरा करने यहाँ पे नहीं आए, लेकिन बिचारी इनको कैसे यहाँ पे समझाओ, इनको तो कुछ और ही यहाँ पे लगता है। अब इन्होंने स्नेक लेडी का पावर यहाँ पे बढ़ा दिया, ये करना नहीं चाहिए था, सेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा मी था और स्नेक लेडी का पावर ने मेरे से हल्का सका
कम था, लेकिन अब पावर बढ़ गया, वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई है, तो कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। वो गलत करने को तैयार थी कि हाँ लू भाई अब तेरा क्या होगा कालिया। लू भाई भी देखते कि भाई पावर बढ़ा नहीं है अभी तक, मतलब पावर बढ़े ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ये अभी से मुझे धमकी देने लगी। उसके बाद ना स्नेक लेडी कहती है कि सीनियर आप टेंशन मत दीजिए, मैं लू भाई के साथ यहाँ पे रहूँगी, लू भाई को हमेशा हेल्प करूँगी, उसके प्रोडक्शन करने के लिए भी, उसका कल्टिवेशन इंप्रूव करने के लिए भी। ये भी कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तो यहाँ का मेरा काम हो चुका है, मैं वापस अपने लिंक शो सेट में जाना चाहूँगी, भतीजी वो तो मेरी डिसाइपल है, उसको भी अपने साथ लेकर जाऊँगी, और आई डोंट नो वापस से जो हमारी मुलाकात है ना वो कब हो पाएगी। अपने लू भाई कहता क्या तुम वापस यहाँ पे जा रही हो, इस स्नेक लेडी भी कहती क्या दीदी तुम वापस जा रही हो, यार वापस यहाँ पे मत जाओ। हमारे लू भाई भी लाइक दीदी, यह तो उसको अपने दुश्मन यहाँ पे मानती थी, आज यहाँ पे तो दीदी दीदी कर रही है। ये भी कहती छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थी, इसके लिए मैं दुश्मन समझती थी, अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो चुका है, मेरी दीदी जैसी यहाँ पर है, ये औरतों की फीलिंग है, तुम नहीं समझोगे बाबू मोशा है। जो सुनते ही सीनियर भी कहती यार ये बाबू मोशा है तुम यहाँ पे नहीं समझोगे, याद है जो टेक्निक मैंने तुमको यहाँ पे दिया था ना, लो यार वो टेक्निक में मैं चेंजेस कर दूँ। ये भी कहते ना ना आपने मुझे बोला था ये टेक्निक सीखो, और जब बाद में डुओ कल्टीवेशन करने यहाँ पे दोगे वर्जन रहना पड़ेगा, मैं वर्जन यहाँ पर हूँ, मैंने अभी तक बिल्कुल भी तोड़ी नहीं है। ये भी कहती है टेंशन मत लो यार, मैं बस उसमें हल्के से चेंजेस यहाँ पे कर रही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ये चेंजेस ऐसा याद है पीछे जब तुम मुसीबत में थे मेरी आत्मा आ गई थी तुमको बचाने के लिए, हाँ वो चेंजेस यहाँ पे कर रही हूँ, ताकि जब अगली बार मुसीबत में आओगे मेरी आत्मा तुमको बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगी, मन लगा के मेहनत करो और बाद में तुम्हारे साथ डुओ कल्टीवेशन करूँगी। ये भी कहती है ठीक है, इस नेक लेडी भी कहती है तुमने सुना ना, मन लगा के कल्टीवेशन करो और बाद में ये डुओ कल्टीवेशन करेगी, अब ये डुओ कल्टीवेशन करने के बारे में बात करिए तेरे साथ। तो भाई जिनके दिया दो दिन पहले हमने आपस में एग्रीमेंट यहाँ पे किया था कि जैसे अपने आपको और इंप्रूव कर लेगा ना मैं इसको डुओ कल्टीवेशन करने दूंगी अपने साथ। भतीजी सुनती कि ओहो तो डरे कि ना लू भाई को उनको हवाले नहीं कर दिया, बल्कि अपना ना भाई रुमाल उसके ऊपर डाल के रखिए। जैसे स्नेक लेडी सुनती ना और भी सदमे में कि अरे यार ये तो डुओ कल्टीवेशन करने के बारे में बात करिए, तभी तो यहाँ पर आई, मेरा पावर इंप्रूव किया और बहुत ही अच्छी बनी था कि मैं भी ना इसको अपनी दुश्मन यहाँ पे ना मानूं और एंड मैं लू भाई के साथ यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करे, यार ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ, मैं ऐसे कैसे यहाँ पे लू भाई को अपने हाथों से जाने दूंगी, बिल्कुल ना। लू भाई का हाथ पकड़ लेती है और कहते लू भाई चलो मेरे साथ, तो लू भाई भी लाइक चलो तुम्हारे साथ, कहाँ पे चलो तुम्हारे साथ। स्नेक लेडी कहती भाई आई लव डुओ कल्टीवेशन, डुओ कल्टीवेशन इज माई फेवरेट कल्टीवेशन टेक्निक, चलो मुझे करना है तुम्हारे साथ। हाँ तो लू भाई भी लाइक अबे तुझे क्या हो गया अचानक से, तू अचानक से डुओ कल्टीवेशन की बात काहे को करने लगी। अपनी भतीजी भी देखती हो माई गॉड मास्टर डुओ कल्टीवेशन करने को बोला कि आगे करूंगी, स्नेक लेडी अभी करने को तैयार हो गई, ये तो सच्ची में कुछ गजब ही चालू है। सेठ की डिसाइपल भी ऐसा कुछ कह रहे थे और मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। हमारा लू भाई भी चिल्लाता कि नहीं नहीं देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो कहती मैं ऐसा करूंगी चलो मेरे साथ, और लू भाई को लिटरली जबरदस्ती अपने साथ लेकर निकल जाती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है वो सीनियर के साथ करने से पहले ये स्नेक लेडी कर लेगी क्या, जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।